मेरी माटी मेरी आन है तू। ए? क्या मतलब है तेरा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हवेली पर उंगली उठाए? अस्लान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रहा हूँ सर। मुझे मीरल के खास आदमी असलम से तफ्तीश करनी है। मेरी इत्तला के मुताबिक जीवन को आखिरी दफा उसी के साथ जाते देखा। लगता है तू होश में नहीं है, वरना तू कभी इस तरह की बात नहीं करता। असलम कहाँ है मीरल? बुलाओ उसे। और अगर ना बुलाऊं तो मैं खुद उसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे वो जमीन की सात तहों के नीचे क्यों न छुपा। बस बहुत हो गया। हमारी हवेली में आके हमारे बंदे से तफ्तीश करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। एसएसपी साहब, मैंने आपकी वजह से ये सब कुछ सुना, देखा और बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बाद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। हनीबक्स, अपने हारियों से कहो बड़े शहर की तरफ जाने वाली सड़क और उसके इर्द गिर्द के तमाम रास्तों पर धरना दे दे। अब ये लोग उस वक्त उठेंगे जब इस मसले का हल होगा। अरसलान, can't you see I'm trying to defuse the situation? Stay calm. Sir. मीरल साहिब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानून किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देगा। आपकी दरख्वास्त का भी मेरिट पर जायजा लिया जाएगा। बेहतर यही है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक तमाम लोग अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। इसका दारोमदार अब आपके अफसर पर है। एसएसपी साहब, लगता है बहुत गर्म खून है। लेकिन शायद इसे मालूम नहीं कि चौक सयाल ने अचानक कितने गर्म खून सर्द कर दिए जमाने के साथ। क्या खबर है, जरगा खत्म हुआ कि नहीं? जी छोटी सैन, जरगा खत्म हो गया, पर पीरल सैन छोटे साई के साथ उठकर गुस्से से न जाने किधर चले गए हैं। अच्छा ठीक है, तू जा। बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरी तरह इंतजार करना सीख लो। क्या मतलब?
कैसा इंतजार? पहले जो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटता था, तुम्हारे आने के बाद उसका इंतजार करते करते मैं सो जाती थी, और अब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है, तो तुम्हें भी इंतजार करना सीखना होगा ना। सुलेखा की जगह कोई नहीं ले सकती, भूल है तुम्हारी। काश ये मेरी भूल हो, कहीं पीरल साईं दोबारा ना कोई भूल कर बैठे। वैसे मैं मिली हूं उस तीसरी से, इतनी सीधी नहीं है जितनी वो दिखती है। एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कहना क्या चाह रही हो? कैसी जंग? नूरी को पीरल साईं के दिलो दिमाग से उतारने की जंग, और बेहतर यही होगा कि ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ें। सुलेखा, दुश्मन अगर साझा हो ना तो पुराने हरीफ भी थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं उसको जेर करने के लिए। क्या मतलब? खुल के कहो। खुलकर ही कह रही, अगर उसे हवेली से निकालना है तो हम दोनों को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। हमारी दुश्मनी तो असली है, उसको हवेली से निकालने के बाद भी निभाई जा सकती है। सोच लो। मुझे बेवकूफ समझता है? वो एएसपी असलम को ढूंढता हुआ वहां क्यों आया था? कहां गायब किया तूने असलम को? बुलाओ उसे। मुल्तान भेजा है काम से, आ जाएगा दो चार दिन। मैं उस वक्त पुलिस वालों के सामने चुप रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन मेरे पीठ पीछे क्या धंधा कर रहा है? कोई धंधा नहीं कर रहा हूं बाबा साईं, ये पुलिस वाला खामखा मेरे बंदों के पीछे पड़ गए। दिमाग खराब हो गया है उसका। मैंने उस पुलिस वाले की आंखों को पढ़ा है, वो जरूर कोई अहम बात जानता है। तुझे किस बात की कमी है? हजारों एकड़ की जमीन है तेरी जागीर, फिर चंद पैसों के लिए तू ये? दोस्त की मदद कर रहा था, उस काम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा के लिए तूने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया है। वो एएसपी मास्टर कमालिया के बेटे की मौत को कभी पुलिस के खाते में नहीं पड़ने देगा। आज तेरी वजह से मुझे दो कदम पीछे हटना पड़ा। वो आप फिक्र नहीं करें, संभाल लूंगा मैं उसे एएसपी को। अरे मैं बे, खुद संभाल लूंगा। तू इस काबिल होता तो बात ही क्या थी। इजाजत सर। आओ शरीफा। सर ये आपकी डाक। ठीक है तुम जा सकते। सर ये अंजुमन ट्रेडर्स की पुरानी फाइल जो आपने मंगवाई थी, मैंने से रख दो। इस पे रख दो। सर कोई खास लेटर है क्या?
हाँ वो माद साहब की बेटी नहीं है, उसके लिए बात की थी मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने दोस्त से, उसका केस वहीं डंप पड़ा था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया उसको जॉब के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, इस वक्त तो उस खानदान को वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी। हाँ हाँ अच्छी बात है। तुम ये मास्टर को खुद अपने हाथ से देख रहा हूँ, और एक काम करो प्राइमरी स्कूल पर आज रात से संतरी भी तैनात कर दो। जो हुकुम सर। सुसी, सुसी बेटा कहाँ हो? जी अब्बा इधर हूँ। बेटा ये देखो महकमा तालीम की तरफ से खत आया है और इसमें तुम्हारी नौकरी के अहकाम हैं। ये कैसे हुआ, किसने दिया है आपको ये? बेटा वो छोटा थानेदार है ना असगर, उसने दिया है। ये सब काम उसके साहब की कोशिशों से हुआ है, वरना महकमे वालों ने तो वो फाइल दबा के रखी थी कब से। फाड़ के फेंक दो इसे, मैं अपने भाई के कातिल का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। अरे लेकिन बेटा इसमें तुम्हारी नहीं अब्बा, मैं इसकी कोशिश से किए हुए किसी भी एहसान के नीचे नहीं दबना चाहती। वो अभी सिर्फ अपने जमीर के हाथों मजबूर है, अपने जमीर को तस्कीन देना चाहता है, लेकिन मैं ना उसको कभी सुकून लेने दूंगी, ना उसकी दर्द उसकी खलिश को कभी भी कम नहीं होने दूंगी मैं। वो अपने जमीर का बोझ हल्का नहीं कर रहा, अपना फर्ज अदा कर रहा है, वो फर्ज जो जोग सियाल में आज तक किसी ने अदा नहीं किया। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है, पीरल अपने बेटे मीरल से बात कर रहा था। मीरल ने जीवन को अपने बंदों के साथ वहां भेजा था कोई गैर कानूनी काम करने, वहां पुलिस का छापा पड़ गया, मीरल के खास बंदे तो भाग निकले, लेकिन अपना जीवन पुलिस की गोली का निशाना बन गया। इसका मतलब है कि मेरे भाई को उस मीरल ने मरवाया है। हाँ लेकिन उस एएसपी का इसमें कोई कसूर नहीं, उसको अपना फर्ज अदा कर रहा था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि जीवन चाचे कमाले का बेटा है। पर मेरा भाई तो उन जागीरदारों के गैर कानूनी धंधों की भेंट चढ़ गया ना। खुदा गौरत करे इनको, खुदा जरूर गौरत करेगा उन्हें। शायद इसलिए खुदा ने उस अफसर को यहां भेजा है, वरना बड़ी हवेली की तारीख में आज तक किसी ने भी पीरल की हवेली में घुस के उसको ललकारने की कोशिश नहीं की। लेकिन रसला ने यह कर दिखाया, उसे कोई खौफ नहीं है इन लोगों का। खुदा ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया। नूरी, नूरी,
नूरी, ओ नूरी, जनिए। जी साईं जी। नूरी किधर है? निकी से और ससी वाले पासे वल गए। अब वहां क्या करने का ही है? उसके भाई का स्वयं तो हो गया। जी साईं जी, आज दसवां है। क्या तीजा, दसवां, चालीसवां, कितने दिन सोग मनाएंगे? मरने वाला मर गया, सोग मनाने से वापस नहीं आएगा। नूरी आए तो उसको मेरी तरफ से सख्ती से मना कर देना कि हवेली के बाहर कदम ना निकाले। जी साईं जी। पर मैंने तो पूरे गांव के सामने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। उसमें भी तू उसका जर्फ देख। उसके बावजूद उसने चाचा के माले से किया अपना वादा पूरा किया है ना। तुझे नौकरी दिलवाई है। ये उसकी नेक दिली की निशानी नहीं तो और क्या है? काश उस रात जीवन के बजाय मीरल को गोली लग जाती। काम वालों की जिंदगी से खून में आ जाती। खैर छोड़, मैं भूल गई। मैं जीवन की मौत ने मुझे सब कुछ बुला दिया। मैंने मासी बरकते को भेजा था शोरकोट, पर शौकत इकबाल के पास नहीं पहुंचा और ना ही वो मुल्तान पहुंचा अपने घर वालों के पास, बल्कि उसका बाप तो उसको ढूंढता ढूंढता झोंक सियाल तक आ पहुंचा था। घर नहीं पहुंचा। खैर तो फिर कहां गया शौकत? जमीन के अंदर। जिस तरह शौकत और कई लोगों को मैंने सहरा की जमीन में दबाया, इसी तरह इस पुलिस वाले को भी उसी जगह पर काटूंगा। असलम का पैगाम आया मेरल साईं, वो पहुंच गया अपने गांव खैरियत से। उस हरामखोर को कब छुप कर रही तरह, जब तक ये जीवन का मामला ठंडा नहीं हो जाता है। एक दफा ये मामला ठंडा हो जाए तो फिर बुलवा लेंगे इसे। साईं, वो बड़े साईं पीरल बहुत नाराज हो रहे थे। हमसे बड़ी पूछ पाछ की है उन्होंने उस रात के बारे में। शामीर का भी पूछ रहे थे। तूने कुछ बताया तो नहीं? ना साईं, पर लगता है उन्हें इस मामले के बारे में कोई सुनगन पड़ गई है। इतने बाबा सही मिला, सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बने रहते। पता भी जागीर चलाने के लिए कई दफा हमें जेल से भागे हुए माजूर कन टुकटों की जरूरत पड़ती, लेकिन क्या करें, बाबा सही को कौन समझाए। अब हमारे लिए क्या होगा मैं साईं जी? सिर्फ हालात का जायजा लो और उस एएसपी पर नजर रखो। इस जानदाद पर अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहे। जो गम साईं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ससी। तुझे कोई भी शौकत की खबर मिले मुझे इतला दे देना। तू फिक्र ना कर, मैं इधर उधर पूछती रहूंगी, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं फौरन तुझे बताऊंगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर इनमें से किसी ने शौकत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। इसी शर्त पे मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। पीरल शौकत को बाहिफाजत घर पहुंचाएगा और इनमें से कोई भी शौकत से कोई गर्ज नहीं रखेगा।
सुन नूरी, तू अपना जी हल्का ना कर, बस अपना ध्यान रख। पता नहीं क्यों मुझे पीरल की हवेली वो काला किला लगती है, जहां धोखे और फरेब की मकड़ियों ने साजिशों के हजार जाल बुन रखे हैं। नूरी, ख्याल रख अपना, तुम मेरी फिक्र छोड़ दे। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मगर तू ये सब कुछ करेगी कैसे? है मेरे पास एक ऐसा हथियार जिससे मैं हवेली की ऊंची फसीलें भी ढा सकती हूं। मैं चैन से नहीं बैठने दूंगी, पहले सारे राज जमा करूंगी, गिन गिन से सबसे मत ले लूंगी मैं। तू बस मुझे शौकत की कोई खबर ला दे। वो तुसा लोग समझ नहीं आती, मुंह चा के आवेंदे हो, कितनी बारी आख्या तुसा को, कान खोल के दोबारा सुनो, खर्चा थी सी ते पर्चा थी सी। जी थानेदार साहब, असं पहले मोहरा साहब को नजराना पेश कर दिता है। के नजराना मजार ते आए बैठे हो थाने ते? ए थाना है थाना, मेरा थाना, बड़े नजराने का बंदोबस्त करो, मोड़ आए वरना उठो, दोबारा आए उन्हें लत्ता दान दे सन। उठो निकलो, चल उठे, उठ तू भी, दोबारा आए ना लत्ता बांध दे सन, निकल बाहर, मुंह चा के आवेंद सुन, दोबारा नहीं आना। सब मैंने तुम्हें कहा था पेट्रोल पंप के मुंशी का ब्लॉक है, वो काम भिजवा दिया जनाब, कह रहा है कल तक आ जाएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? सारी गाड़ियां तेल की कमी की वजह से बेकार खड़ी हैं जायदाद, और शोरकोट से वो रमजान ने अपनी रिपोर्ट भेजी, उनका प्यूएल भी खत्म हो गया। बुरा नहीं मानिएगा सब, मैंने पहले दिन आपसे यही कहने की कोशिश की थी कि सरकारी पैसा आने में आधा साल गुजर जाता है और मुंशी क्यों इंतजार करेगा सब, यही हमारी मजबूरी है, थाना चलाने के लिए हमें मौजूदीन और इलाके के बड़ों से तावुन लेना पड़ता है। जिसको तुम तावन समझ के मांगते रहे हो ना जानदाद, मैं उसको रिश्वत समझता हूँ, रिश्वत। ऐसे तावन से बेहतर है कि मेरी पूरी नफरी पैदल गश्त कर लिया करे इलाके का। इनफैक्ट अगर कल से ये तेल और डीजल का मामला हल ना हुआ ना, तो थाने की पूरी नफरी तीन ड्यूटीज में गश्त किया करेगी पैदल, और इस पूरी पेट्रोलिंग की मैं निगरानी करूंगा खुद। लेकिन जनाब, आज तो मेरे भाग जाग उठे हैं कि इतने दिनों के बाद आपने यहाँ कदम रखा है, वरना तो अकेले इस मेज पर खाना खा रही हूँ जाने कब से। तुम्हारे लाडले के कारनामे टिक कर बैठने दें तो कहीं आप फेरा डालो ना। और वैसे सरदारी बेगम, तुम्हें और जुलेखा को पता ना कि हमारे सैन की बरसी आ रही है, तो सारे इंतजामात पहले की तरह पक्के और मुकम्मल होने चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे साईं, हर साल की तरह अम्मा साईं की बरसी मैं ही मनाऊंगी, सारे न्याज नजराने खैरात गरीबों में उसी तरह बटेंगे, मैं खुद अपनी निगरानी में सारा इंसान देखूंगी, कोई कमी बेशी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बाबा सही, अगर आपकी इजाज़त हो तो
वो जीवन के घर वालों को मैं हवेली के पिछले क्वार्टर में मुंतकिल करवा दूं। वो जब से बेचारा गया है वो लोग बेसहारा हो गए। तुझे कब से बेसहारा लोगों की इतनी फिक्र हो गई? बाबा सही जबान की थी मैंने जीवन को कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसके घर वालों का ख्याल रखूंगा। बस आपकी इजाजत मिल जाए तो क्वार्टर में मुंतकिल करवा दो। मास्टर कमाले की बेटी नूरी की सहेली है, ख्याल करना कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। जी बाबा सही, अब फिक्र ना करें। और हाँ सरदारी बेगम, तुम और जुलेखा इस दफा मसैन की बरसी के सारे इंतजाम में नूरी को भी शामिल करो, उसको हमारे रस्म और रवाज का पता चलना चाहिए। साईं वो कल की लड़की है, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने की जरूरत क्या है? हम दोनों बड़ी हैं, संभाल लेंगी सब कुछ। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, बहस करने की आदत जाती नहीं तो मारता हूं। एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नूरी को पीरल साई के दिलो दिमाग से उतारने की जंग, बेहतर यही होगा कि ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ें। अगर दुश्मन साझा हो ना तो पुराने हरीफ भी थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं उसको जेर करने के लिए। अगर उसे हवेली से निकालना है तो हम दोनों को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। एक बार इस नूरी का कांटा निकल जाने तो सरदारी बेगम, फिर तुम्हारी बारी भी करीब है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि खुद पीरल साईं तुम्हें तुम्हारी चोटी से पकड़कर हवेली से पार फेंक आएगा। हंदानी बख्श क्या खबर लाए? सारी जिन सारी वार सरकार, मैंने इलाके के सारे लोगों को एएसपी के दफ्तर का घेराव करने का कह दिया और वो सब मिलके जो है ना जीवन के कत्ल का पर्चा खुद पुलिस के खिलाफ काटने के नारे लगा रहे। और सोने पे सुहागा, मैंने शहर से बाहर जाने वाली सड़क भी बंद करा दी है। शाबाश, अब उस पुलिस वाले को अपनी असल औकात का पता चलेगा। मैंने इस हंगामे की इतला ऊपर वालों को भी पहुंचा दी है, बहुत जल्द हर तरफ ही खबर फैल जाएगी कि जोग सियाल के एक पुलिस अफसर के हाथों जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के बाद मुश्तिल हजूम ने थाने का घेराव कर दिया है। हुकूमत से अफसर को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं और अगर हुकूमत ने जल्द कुछ ना किया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। नहीं नहीं सरकार, इसे कहते हैं 100 थानेदार की और 1 पीरल सरकार की। जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, वर्दी वाली गुंडागर्दी, वर्दी वाली गुंडागर्दी, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, वर्दी वाली गुंडागर्दी, वर्दी वाली गुंडागर्दी, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, वर्दी वाली गुंडागर्दी। Thank you.
वर्दी वाली गुंडागर्दी नहीं जवाब दो वर्दी वाली गुंडागर्दी वर्दी वाली गुंडागर्दी तालिमो जवाब दो तालिमो जवाब दो वर्दी वाली गुंडागर्दी वर्दी वाली गुंडागर्दी तालिमो जवाब दो तालिमो जवाब दो तालिमो जवाब दो वर्दी वाली गुंडागर्दी वर्दी वाली गुंडागर्दी। ये सारी शरारत उस मीरल की है। मुझे तो डर है कि ये फसाद कहीं बढ़ ना जाए। ऊपर हेडक्वार्टर से भी फोन पर फोन आ रहे हैं, वो यहाँ की पोजीशन जानना चाहते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने थोड़े से टाइम में इतने सारे लोग इकट्ठे कर लेंगे। खैर तुम लोग तैयार रहो, मैं हजूम से जाकर खुद बात। अब मुझे नहीं लगता इस वक्त आपका उनके सामने जाना ठीक रहेगा। आम देहाती जो हकीकत नहीं जानते हवेली वालों की चाल में आकर वाकई बहुत ज्यादा भड़के हुए। मुझे तो डर है कि इस मौके का फायदा उठाकर मीरल और पीरल के कारण ने कहीं अपना मकसद हासिल ना कर ले। तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकता मैं, और वैसे भी कुछ भी हो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू में रखना फर्ज है हमारा। असकर और बड़े शहरों में मीडिया ने अभी तक आसमान सर पे उठा लिया होगा। आप कहें तो मैं शोरकोट की नफरी भी यहाँ बुलवा लेता हूँ जब तक ये मामला हल ना हो जाए। SHO रमजान को ऐसी सिचुएशन कंट्रोल करने का बहुत तजुर्बा है। नहीं, ऐसा करने से झोंक सयाल की पुलिस और नफरी का डर यहाँ के लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा। कुछ भी हो हालात को खुद ही काबू में करने पड़े। चलो मेरे साथ। वर्दी वाली गुंडागर्दी तालिमो जवाब दो वर्दी वाली गुंडागर्दी। ओए चुप कर रे बकवास, जब वर्दी जवाब दो तालिमो जवाब दो वर्दी वाली गुंडागर्दी। ओए मार दे तालिमो जवाब दो खामोश खामोश चुप करो। मैंने मकतूल के बाप से वादा किया है जीवन का खून रहेगा नहीं जाएगा, लेकिन हमें तफ्तीश के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम लोगों को हकीकत से आगाह कर दिया जाएगा। अब मुझे यहां कोई ड्रामा नहीं चाहिए, निकलो यहां से। हमें अभी इंसाफ चाहिए। पुलिस ने जाली मुकाबले में गोली चलाई और गोली चली भी तुम्हारे हाथ से, तो हम कैसे यकीन कर लें कि इंसाफ हमें यहां से मिलेगा। हाँ हाँ सजावल ठीक कह रहा है भाइयों, यहाँ तो कातिल खुद मुंशी बना खड़ा है, और ये अपने पेटी बंद भाई के खिलाफ ये नकारा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आगे बढ़ो सब और थोड़े को चला दो। जबरदस्त चला दो। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया सारी जिंदगी औलाद के पीछे सड़ेगा। खबरदार। या अल्लाह खैर बेटी, लगता है कोई बलवा हो गया है। भाई चलो हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा। बस यही रोक दो अब्बा। रुक जाओ सब, तुम सब रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरे भाई को पुलिस ने नहीं मारा। ये तेरी धी क्या बोल रही है कमाले, हम तो तेरे बेटे के इंसाफ के लिए आए थे। शशि सही कह रही है, पहले इसकी बात सुन लो सब। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई जीवन की मौत पुलिस की चलाई हुई गोली से हुई है, पर उसको उस गैर कानूनी काम के अंदर मुलव्वस करने वाले मुजरिम कोई और हैं। मेरा भाई चला गया है, मगर मेरे मासूम भाई का खून जरूर रंग लेकर आएगा। तुम देखना एक दिन वो जालिम इन सलाखों के पीछे होंगे। तुम लोग जाओ भाइयों, जाओ, मेहरबानी करो हम पे, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, जाओ।
चाचा सबर चाचा रुको रुको चाचा क्यों रुको 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 यार भाई हेलो रुको 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 चाचा ओए चाचा रुको मेरी मट्टी।